हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल खूबसूरत मेकअप 912 में। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये अफोर्डेबल सा ब्यूटीफुल मेकअप एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। ये लुक मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ और सिंपल स्टेप में किया है और ये मैंने शॉर्ट्स पे भी शेयर किया था जिसपे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ थे। तो आप लोगों के कमेंट थे कि दी ये लुक मुझे डिटेल में शेयर करो, सो मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ये मेकअप पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ बायोटिक की मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। देन मैं गुड वाइब्स की रोज़ हिप ऑयल ले रही हूँ और इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ली हूँ ताकि एक मतलब सटल सा ग्लो आए और मेरा फेस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाए, क्योंकि पता नहीं उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था मेरा फेस। उसके बाद मैं डायरेक्ट आई मेकअप कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड की कंसीलर ले रही हूँ और मैं वहाँ मेबलिन की भी लेने वाली थी बट मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने दोनों प्रोडक्ट शो किए। उसे मैं अच्छे से अपने आईलिड और आईब्रोज़ के आसपास लगा ले रही हूँ और उसे मैं फ्लफी ब्रश से ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से। ब्लेंड करने के बाद मैं उसे एक कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर ले रही हूँ पूरे आईलिड को ताकि मेरा आई शेडो क्रीज ना करे। देन मैं एक फ्लफी ब्रश से मॉर्फे के पैलेट से एक ब्राउन रेड शेड लेके एज अ ट्रांजिशन शेड अपने आईज़ पे अप्लाई कर ले रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आफ्टर दैट मैं उसी पैलेट में से एक ब्राउन शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसी पैलेट से ये दो शिमरी शेड पिक कर रही हूँ और इसे मेरे हाफ आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से जो कि छोटी ब्रश है। उसके बाद मैंने जो फ्लफी ब्रश यूज़ किया था वही ब्रश लेके मैं आउटर कॉर्नर पे एक बार मर्ज कर ले रही हूँ अपने आई शेडोज को। देन मैं ये ब्लू हेवन की आईलाइनर ले रही हूँ और उससे एक छोटू सा विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोगों को भी आईलाइनर ड्रॉ करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो आप लोग स्टिकी टेप यूज़ कर सकते हैं जिससे आईलाइनर अच्छा आएगा। उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी की फॉल्स आईलाइनर अप्लाई कर ले रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देन मैं ब्लू हेवन की प्राइमर ले रही हूँ और अपने टी जोन पे फोकस करते हुए उसे अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये मास्क का कॉन्टोर एंड कंसीलर पैलेट ले रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल 200-250 का। उसमें से मैं ऑरेंज कलर लेके मतलब कलर करेक्शन कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगा उस दिन मुझे कलर करेक्शन की ज़रूरत है, सो मैं यहाँ कलर करेक्शन कर रही हूँ। उसके बाद मैं मालियो का इल्यूमिनेटर ले रही हूँ क्योंकि मुझे ग्लोई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फेस पे थोड़ा ज़्यादा ग्लो लाने के लिए इसे अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं ये मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ जिसका शेड है आई थिंक वार्म न्यूड और उसे मैं ब्रश की हेल्प से निकाल के अपने पूरे फेस नेक पे अप्लाई कर ले रही हूँ। और मैं उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ और ये ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले से भिगो के रख दिया था और अब भिगो के यूज़ करती हूँ तो ये ब्लेंड होने में मतलब काफ़ी आसान हो जाता है ब्लेंड करने में किसी भी प्रोडक्ट को और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है ये। उसके बाद मैं फेस में एक बार ब्रश से भी ब्लेंड कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं कहीं अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है। और देन मैं वो कंसीलर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की और उसे मैं अपने अंडर आई में अप्लाई कर ले रही हूँ और उसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर वही जो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने फेस पे यूज़ किया था उसी से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। थोड़ा सा रब करके यहाँ ब्लेंड किया था जो कि गलत था बट आई नो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है ब्लू हेवन के, उसे फेस को सेट कर लिया है पहले ही ताकि मेरा लिप जो भी मैंने यूज़ किया वो सेट हो जाए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर से पाउडर अप्लाई कर लिया फेस पाउडर,
क्योंकि समर का टाइम था उस टाइम, बहुत ज़्यादा समर का टाइम हो रहा था, सो ये ट्रिक आप अपना सकते हो। देन मैं यहाँ वेला पोस्टे की शायद काजल अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक कलर की, और मैं मेबलिन की मस्करा अप्लाई कर ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं फेस के लिए स्विस ब्यूटी के पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ब्राउन शेड लेके थोड़ा सा फेस को ब्राउन्स अप कर ले रही हूँ, कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, और हल्का हल्का सा इसे मैं नोज़ पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ ताकि जो मेरा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद मैं ये डोर शेड मिक्स करके एज अ ब्लश अपने चीक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके एज अ हाइलाइटर अप्लाई कर ले रही हूँ, और हाइलाइटर मेरे मेकअप का फेवरेट पार्ट होता है बिकॉज मुझे हाइलाइटर लगाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं अच्छे से हाइलाइट कर ले रही हूँ फेस को। उसके बाद मैं यहाँ NYB की रेट्रो नाइट्स, शायद यही शेड है, वो मैं अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। ये थोड़ा सा ब्राउन रेड टाइप का शेड है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था इस मेकअप पे। सो गाइस चलिए देखते हैं मेरा फाइनल लुक। थैंक यू, बाय, टेक केयर गाइस।